खर खोदा के पुराना बाजार स्थित पटवार खाने के प्रांगण में सुबह के समय एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जांच में मृतक की पहचान वार्ड 12 निवासी 45 वर्षीय भगवान दत्त उर्फ बिल्लू के रूप में हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने FSL टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सोनीपत में भेज दिया गया है। बतौर चालक टेम्पो चलाने वाला 45 वर्षीय भगवान दत्त वीरवार की सुबह अपने साथियों के साथ घर से बाहर निकला था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। परिवार सदस्य देर रात तक उसके घर आने का इंतजार करते रहे और उसे फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। सुबह परिजनों को सूचना मिली कि भगवान दत्त पुराने बाजार स्थित पटवार खाने में बेसुध अवस्था में पड़ा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। जहां पर भगवान दत्त का शव पड़ा मिला, वहां पर शराब की बोतल, गिलास, नमकीन आदि के पैकेट भी मिले हैं, जिससे पुलिस को डाउट है कि वहां पर पहले शराब पी गई है। इसके भगवान दत्त ने भी अपने साथियों के साथ शराब पी होगी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। पुलिस ने जांच में मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया है। थाना प्रभारी जसबीर सिंह का कहना है कि पटवार खाने में जो शव मिला था उसे पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया है। देना चाहेंगे भगवान दत्त सनोग उमेद सिंह, जाति हरिजन, उम्र करीब 45 साल, ये नशे का आदी था। जो कल रात को बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि रात को बैठ के शराब पी रहे थे। जो इसके साथी थे वो टूट के चले गए थे। ये रात को वहीं रह गया था, सुबह मृत मिला। खरखोदा शहर की महावीर कॉलोनी निवासी एक युवक ने अपने ही घर पर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। उसकी माँ जब सुबह उसे उठाने के लिए गई और आवाज़ लगाई तो कमरा नहीं खोला, जिसके बाद उसने खिड़की से अंदर देखा तो युवक फंदे से लटका हुआ था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बिरावर जिला अलीगढ़ निवासी कल्पना अपने 5 बच्चों के साथ हाल समय में खरखोदा शहर की महावीर कॉलोनी में किराए पर रहती है। उसका बड़ा लड़का दीपक, जो कि दिल्ली के एक CNG पंप पर काम करता था, लॉकडाउन के कारण घर पर ही रह रहा था। कल्पना का कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसके चलते उसने बृहस्पतिवार की रात्रि को अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये दीपक सन्नो परीस, उम्र 21 साल, वार्ड नंबर 9 महावीर कॉलोनी खरखोदा रहने वाला था, जो दिल्ली CNG पंप पर काम करता था। लॉकडाउन की वजह से ये अपने घर पर रहता था। जो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता था, जिसने रात को अज्ञात कारणों से फंदा लगा के पंखे में आत्महत्या कर ली। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा @9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।